नमस्कार, बात करने वाले हैं आर्य नागार्जुन के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, नागार्जुन एक प्रसिद्ध तांत्रिक, एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री, एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री और एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री। इतनी उपाधियाँ इस व्यक्ति को दी जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट हो जाता होगा हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में। इसे रसायन शास्त्र का जन्मदाता भी माना जा सकता है, क्योंकि रसायन शास्त्र से संबंधित प्राचीन साल में अगर अपन बात करें, आज से 1500 2000 सालों पहले अगर किसी ने रिसर्च की होगी, जो आज भी उपलब्ध है, आज भी ऐसी रिसर्च उपलब्ध नहीं मिलती है, तो वो हमारे भारत में मिलती है। लगभग 2000 साल पहले के समथिंग उस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो बात करते हैं आर्य नागार्जुन की। सबसे पहले बात करते हैं इस व्यक्ति के जन्म की। तो इस व्यक्ति के जन्म को लेकर भी बहुत सारे विवाद चलते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म बौद्ध काल में हुआ था, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म 150 ईस्वी के आसपास हुआ था, और 250 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा लोगों का मानना है। और कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि इनका जो जन्म है वो 931 ईस्वी में हुआ था। तो सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इसी तरह इनके जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है। जन्म स्थान की बात की जाए तो जन्म स्थान दक्षिण के अंदर माना जाता है, विदर्भ देश के अंदर, वर्तमान महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है बरार। तो उस इलाके को माना जाता है कि उस क्षेत्र में इनका एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, कुछ बोलते हैं कि इनका जन्म 931 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के सोमनाथ के पास में, देहिक नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ऐसा लोगों का माना जाता है। तो सभी के अपने अपने मत हैं, कुछ क्या मानते हैं और कुछ क्या मानते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह हो जाती है कि इस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म का महायान शाखा का प्रचार किया, और बुद्ध धर्म की मध्यम मार्ग को ये पहचानते थे और उससे प्रभावित थे, और उसे अपनाते भी थे, और उसे आगे बढ़ाने का काम भी इन्होंने किया था मध्यम मार्ग को। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा विद्वान अगर माना जाए तो गौतम बुद्ध के बाद में इसे ही माना जाता है। इस व्यक्ति का एक घटना सामने आती है। बताया जाता है कि जब ये व्यक्ति 150 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक जीवित था, उस समय कोई सातवाहन वंश का एक राजा था, राजा यज्ञेश्वरी। और यही राजा यज्ञेश्वरी जो था, इसके साथ में इन्होंने राजा यज्ञेश्वरी को उपदेश दिए, और वही उपदेश क्या कहलाए, उस उपदेश में लिखा हुआ इनका नाम मिलता है आर्य नागार्जुन बोधिसत्व। अब इस वर्ड से पता चलता है कि इनका किस तरीके से बुद्ध धर्म में इनका सम्मान किया जा रहा है, आर्य और बोधिसत्व नाम लगा करके। तो इसलिए यह व्यक्ति काफी पॉपुलर हो जाता है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, दूसरी बात है दर्शन शास्त्र। इन्होंने दर्शन शास्त्र में एक थ्योरी दी है, शून्यवाद की थ्योरी, और इन्होंने बताया है कि किसी भी वस्तु को देखने का जो हमारा नजरिया होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। सत्य दो प्रकार का हो सकता है, एक तो वो जो अपन इंद्रियों द्वारा देख पाते हैं, और एक वो जिसे अपन अपनी इंद्रियों द्वारा नहीं देख पाते हैं, जिसे परमार्थिक सत्य के नाम से जाना जाता है। तो सत्य इन्होंने दो प्रकार के बताए हैं शून्यवाद की थ्योरी में, और उन्होंने बताया है कि एक तो वो जो सांवर्तिक सत्य है, जो व्यावहारिक सत्य है, जो अपन देख पाते हैं, इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, उसे सांवर्तिक सत्य के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है परमार्थिक सत्य, जो कि एक उच्च लेवल का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने शून्यवाद की बहुत ही अच्छी थ्योरी दी है, जिसके तहत इन्होंने बताया है कि किसी भी वस्तु की बात की जाए तो वो वस्तु अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो किसी न किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर है, ऐसा इन्होंने शून्यवाद में बताया है। तो ये थी इनकी दर्शन शास्त्र की सबसे महान थ्योरी, महान सिद्धांत। इसके साथ में ही इन्हें चिकित्सा विज्ञान का काफ़ी अच्छा नॉलेज रहा है। चिकित्सा विज्ञान के साथ में रसायन शास्त्र में इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक केवल पारे पर रिसर्च की है। तो पारे पर इन्होंने रिसर्च की, और इन्होंने काफ़ी बढ़िया रिसर्च की, और इन्होंने कुछ रिजल्ट भी निकाला, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं इनके दर्शन शास्त्र की कुछ किताबों की। तो किताबों में इनकी जो आ जाती है वो आ जाती है मूल मध्यमिक कायिका, यह एक पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखी जाती है। इसी के साथ में इनकी और भी पुस्तक हो जाती है प्रतीत्य
समुत्पाद, महायान, वंशिका, इस तरीके की इनकी बहुत सारी किताबें दर्शन शास्त्र में लिखी गई है। तो दर्शन शास्त्र से संबंधित या दार्शनिक विषयों से संबंधित इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। बात करते हैं इनकी, तो इन्होंने एक राजा यज्ञेश्वरी को उपदेश दिया था, उस उपदेश पत्र को लिखा था, किस नाम से जाना जाता है, तो वो उपदेश पत्र जाना जाता है आर्य नागार्जुन बोधिसत्व सुहलेख नाम से। वो आज भी वर्तमान में भी उपलब्ध मिलता है, ठीक है। तो वो पत्र आज भी उसकी अनुवादित जो है वो आज भी मिलता है। और कुमार जीव नाम का एक व्यक्ति हुआ है जो 405 ईस्वी में भारत की तरफ आया था। तो कुमार जीव नाम का जो व्यक्ति है उसने इनकी जो भी पुस्तक थी उसका अनुवादित किया था, इनकी जीवनी का अनुवाद किया था जो कि 405 ईस्वी में इन्होंने किया था। इसके अलावा इनकी चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो चिकित्सा शास्त्र में भी इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था, चिकित्सा विज्ञान का, इन्हें आयुर्वेद का बहुत अच्छा नॉलेज था। इनके बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं चिकित्सा विज्ञान के अंदर, और चिकित्सा विज्ञान के अंदर भी इनके काफ़ी ग्रंथ हैं। और इसी के साथ में रसायन शास्त्र की बात करें तो रसायन शास्त्र में भी ये व्यक्ति इतना निपुण था कि इसने पारिक से सोना बनाने की तकनीक भी ढूंढ ली थी। तो सोने को बनाने की जो विधि है वो भी इस व्यक्ति ने ढूंढ ली थी। पारे के इन्होंने 18 प्रकार बताए हैं, इस तरीके से इन्होंने पारे पर काफ़ी रिसर्च की है। फिर बात करते हैं इनकी रसायन शास्त्र से संबंधित कोई पुस्तक, तो इनकी दो पुस्तकें ज़्यादा प्रचलित है, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल, ये दोनों पुस्तक इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वर्तमान में इनके जो रसायन शास्त्र के जो सिद्धांत इन्होंने उस समय दिए थे उस पर एक व्यक्ति है प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे के नाम से जाना जाता है, रसायन शास्त्री ही है। तो वो इनके प्राचीन जो भी इन्होंने तिब्बती, चीनी और संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे थे, जो ग्रंथ छोड़े थे, उनका अनुवाद करके वह व्यक्ति इन चीज़ों पर आज भी रिसर्च कर रहा है। तो वो व्यक्ति है प्रफुल्ल चंद्र रे, जिसने एक पुस्तक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, और उस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारे प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का जन्म हुआ। जैसे खगोल शास्त्र में खगोल विज्ञान का जिस तरीके से हमारे भारत को जन्मदाता माना जाता है, ठीक इसी तरीके से बहुत से ऐसे रहे हैं जिनमें से रसायन विज्ञान को भी भारत का ही माना जाता है, भारत की ही देन माना जाता है। तो बात आती है धातुओं से सोना बनाने की तकनीक। तो 1930-32 की बात है, एक वे इतिहासकार हुआ है राजेंद्र सिंह नाम का। तो वह इतिहासकार बताता है कि 1930-32 के समय में बिरला जी ने एक करवाया था प्रयोग, और उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, 18 सेर तांबे से 18 सेर सोना बनवाया था। और वो बनवाने के लिए उन्होंने विशेष वैद्य को बुलाया था जो कि ऋषिकेश से आया था, और अपने साथ में एक लिक्विड पदार्थ भी लेके आया था। और उसी लिक्विड पदार्थ से उन्होंने क्या किया था, 18 सेर तांबे से 18 सेर सोना बनाया था। फिर सुनारों ने उस सोने को चेक किया और फिर उसे 75,000 रुपये में उस समय पर बेचा भी गया था। तो इस तरीके से राजेंद्र सिंह इतिहासकार रहा है जो अपनी पुस्तक में ऐसी थ्योरियों को बताता है और बोलता है कि वास्तव में ऐसी घटनाएं रियल हैं जो भारत में रही हैं। और वो इतिहासकार राजेंद्र सिंह भी बोलता है कि मैं भी ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों को जानता हूँ, ऐसे वैद्यों को जानता हूँ जो धातुओं से सोना बनाने की विधि जानते हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है, नागार्जुन को इन विषयों का काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया था। 20 से 25 पुस्तकें ऐसी है जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, और प्रत्येक पुस्तक में उन्होंने कुछ न कुछ विशेष दिया है जो आज भी हमारे वर्तमान में उपलब्ध नहीं मिलता। ऐसी ऐसी चीज़ें इस नागार्जुन ने बताई है। तंत्र विद्या का इसे काफ़ी ज़्यादा गहन अध्ययन किया, और बताया जाता है कि तांत्रिक विद्याओं का जो जन्मदाता है वो भी इसे ही माना जाता है। नागार्जुन ने ही ऐसी विद्याओं को बनाया था शुरुआत में, फर्स्ट टाइम इसी ने ऐसी कहानियाँ, मनगढ़ंत जो भी इन्होंने किया, जो सच है गलत है वो उस पर अपन विवाद नहीं करेंगे, लेकिन इन बातों पर इन्होंने ही क्या किया था, रिसर्च किया था और इनको दिया था। तो तंत्र विद्या की देन नागार्जुन को ही माना जाता है। तो इस तरीके से यह विद्वान रहा है जिसके जन्म और मृत्यु को लेकर के विवाद है, कब पैदा हुआ कब मरा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि यह व्यक्ति 500 सालों से भी ज़्यादा जीवित रहा था। तो इस तरीके से इसके बारे में बताया जाता है जो कि हमारे इतिहास का बहुत अच्छा पन्ना रहा है जो कि अब खो चुका है, तो इसे वापस से जानने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद।
दोस्तों, आज के लिए ये टॉपिक काफ़ी है। आर्य नागार्जुन, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विद्वान रहा है, महायान शाखा का मध्यमिक दर्शन का प्रयोग यह करता था, ठीक है, मध्यम मार्ग को अपनाता था। तो इस तरीके से इन्हें दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र और तंत्र विद्या, ऐसी चीज़ों में इन्होंने PhD कर रखी थी, ठीक है। तो ये थी जानकारी आज के लिए। धन्यवाद।